जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदी भाषा के कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया है? हिम तरंगणी के लिए, हिम तरंगणी। अगला क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? तो रमेश कुंतल मेघ को, किसको? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो रमेश कुंतल मेघ को। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो विश्रामपुर का संत। श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो विश्रामपुर का संत। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो यामा। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कितनी नाव कितनी बार, वह राइट आंसर है। सबसे कम समय में इसको पूरा करेंगे। जय हिंद। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है जो मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा डोंगी से। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगला 9वां क्वेश्चन है, 9वां, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रामचंद्र सहाय के उपन्यास का नाम क्या है? क्या है? तो विनायक है। अगला क्वेश्चन है, व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति में लेखक की रचना कौन सी है? तो नरेंद्र कोहली की है, ना भूतो न भविष्यति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो नागपुर में हुआ था 1975 में, भारत में। अगला क्वेश्चन है, अलका सरावगी को किस रचना की हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अलका सरावगी को कौन सी रचना के लिए मिला पुरस्कार ने? तो कली कथा बाया बाईपास। अगला क्वेश्चन है, सन 1973 के साहित्य अकादमी पुरस्कार में आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषित प्राप्त हुआ है? पारितोषित प्राप्त हुआ है साकेत के लिए, तो मंगला प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो शेखरिया पदक। महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो शेखरिया पदक। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सम्मानित किया गया सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू किसे दिया गया है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। सोवियत लैंड ऑफ नेहरू किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत। मैं घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कौन सी कृति के लिए?
तो कितनी नाव कितनी बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में हिंदी अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय है। तो राग दरबारी या प्रेमचंद निराला साहित्य साधना, बता कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। तो प्रेमचंद कलम का सिपाही, ड्रॉ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनमें से किसी को नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1982 में इसमें किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो इसमें महादेव वर्मा को मिला था। क्वेश्चन सही कर लें, यामा के लिए मिला था, किसमें यामा के लिए मिला था जी। अगला क्वेश्चन है, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार किस रचना की को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो परख, परख के लिए सम्मानित किया गया है जैनेन्द्र कुमार को। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला है। तो महादेवी वर्मा को 1982 में मिला था। क्वेश्चन फिर से आ गया, किसके लिए मिला था, यामा के लिए। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो परियाद यानी पारियाद के लिए। 2016 में नसीरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पारियाद के लिए। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वह किस भाषा में रचित है। तो मैथिली। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में अकादमी पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। तो धूमिल की, धूमिल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है। अच्छा नहीं है, तो बनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, यामा महादेव वर्मा की है, ये राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार रचना किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना जैनेन्द्र कुमार की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रहन पर रघु के लिए किस सम्मान सम्मानित किया गया है। बताइए रहन पर रघु किस सम्मान सम्मानित किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1986-87 के। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के लेखक को उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ है। तो 1955 से। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 82 में मिला था, 1982 में। अगला क्वेश्चन है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे
विभिन्न प्रतियोगी को पूछे गए क्वेश्चन। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी प्लस में इस बार इसी में टक्कर हो गई, हर विषय में टक्कर, लेकिन हिंदी बहुत जरूरी है। हिंदी से क्वेश्चन बन गए तो समझो नंबर कम्प्लीट 37 में 37। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु। दूसरा क्वेश्चन है, हिमतरंगणी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी का। दूसरा क्वेश्चन है, केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? तो विज्ञान गीता। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता? 1850 ईस्वी से। रामचंद्र का की रचना किसने की थी? रामचंद्र का की रचना किसने की थी? तो केशव ने की थी। छठवां क्वेश्चन है, सीता वनवास संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? सभी को बनना चाहिए इसमें तो प्रभात पर्व। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी को पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की कौन सी है बताइए? तो ग्राम है, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने लिखी थी? किस कवि ने की थी श्री रामचरितमानस की रचना? किस कवि ने की थी? तुलसीदास जी ने। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर की रचयिता कौन है? तो सूरदास। सूर सागर की रचयिता कौन है? तो सूरदास है। निम्न में रीति काल का कवि कौन है? निम्न में रीति काल कवि कौन है? तो बिहारी। मतलब सूरदास जी को कौन सा काल के कवि, संत कवि हैं? भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर, ये तीनों हैं और रामायणी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितनी कालखंडों में विभक्त किया गया है? हिंदी साहित्य को कितनी कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो चार। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे, तो ये नाटक है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो भयानक रस नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें श्रृंगार रस होती है, बात्सल्य और शांत रस सभी, लेकिन भयानक रस नहीं पाया जाता है, भयानक रुद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जो छायावादी रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध तो मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, किसने कहा था? किसके लेखक कौन? उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? श्रद्धाराम फिलोरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो सभी ये उत्तर प्रदेश से हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास
तुलसीदास, सूरदास आदि में कौन से काल के संत कवि माने जाते हैं? तो भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो ध्रुव स्वामी। क्वेश्चन सही लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं इसका अगला पार्ट सही। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।